नमस्कार, मैं शालू बत्रा और हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खासकर हमारी महिला दर्शकों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर करवा चौथ क्या है और क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? हिंदू संस्कृति में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार मनाने से जहाँ मन में उत्साह बढ़ता है, वहीं जीवन शक्ति भी बढ़ती है। और हिंदू धर्म में महिलाएं, खासकर हिंदू धर्म में महिलाएं जो है, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कभी अपने घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती रहती हैं। और इन्हीं में से एक है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। उस दिन महिलाएं 16 सिंगार करके खूब सज धज कर मेहंदी रचे हाथों से पूजन करती हैं। पूरा दिन भूखा रहने के बाद, इतना कड़ा व्रत करने के बाद, रात को चंद्रमा देखकर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही वो अपना व्रत खोलती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो करवा चौथ से पति पत्नी का आपसी प्रेम ही काफी बढ़ता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर कड़ी तपस्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए। वो कामना करती हैं कि जन्मों जन्मों तक उन्हें यही पति हर बार पति के रूप में मिले और उनकी लंबी उम्र हो। तो आखिर करवा चौथ क्या है और क्यों मनाया जाता है करवा चौथ, इसके पीछे बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। और उन्हीं में से एक कहानी जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, कहानी है सत्यवान और सावित्री की। सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री बहुत दुखी थी, उसका बहुत बुरा हाल था, क्योंकि सत्यवान के अलावा उसका कोई और सहारा नहीं था। जब सत्यवान की मृत्यु हुई तो वो रोती बिलखती बैठी हुई थी, और यमराज जब सत्यवान को लेने आए तो सावित्री ने यमराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पिता के समान हैं, मेरे पति को मत ले जाइए, इनके प्राण बख्श दीजिए। तो यमराज ने भी बड़े दुखी हृदय से बोला कि बेटी, तुमने मुझे पिता के समान कहा है, लेकिन मैं विवश हूँ, ये मेरा कार्य है, मुझे इसको ले जाना ही होगा। और सत्यवान का जीवन इतना ही लिखा था, इसलिए मैं इसका जीवन दान नहीं दे सकता तुम्हें, मुझे इसे ले जाना ही होगा। अच्छा, तुमने मुझे पिता के समान कहा है, तो इसके बदले मैं तुम्हें कोई और वरदान दूंगा, तुम चाहो तो मुझसे कुछ और मांग लो। तो सावित्री ने बहुत सोचकर यमराज से एक वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे बहुत सी संतानों की माँ होने का वरदान दीजिए। तो जैसा कि यमराज ने सावित्री से कहा था कि तुम मुझसे बेटी कोई वरदान मांगो, तो वो ये बात को भूल चुके थे कि वो सत्यवान के प्राण पहले ही ले चुके हैं। जैसे ही सावित्री ने उनसे ये वरदान मांगा कि आप मुझे बहुत सी संतानों की माँ होने का वरदान दीजिए, तो यमराज ने तथास्तु बोला और उसे ये वरदान दे दिया। और क्या हुआ कि उन्होंने जो सत्यवान के प्राण लिए थे, वो प्राण अपने वरदान से विवश होकर उनको वापस लौटाने पड़े। तो यही है हिंदू धर्म में सच्ची पतिव्रता, जो पत्नी होती है, अगर वो अपने अस्तित्व पे आ जाए तो वो यमराज से भी लड़कर अपने पति को वापस ले आती है। जिस तरह से सावित्री ने यमराज के आगे प्रार्थना की और यमराज से उसने ये वरदान मांगा कि बहुत सी संतानों की उसे प्राप्ति हो, तो एक हिंदू धर्म में जो पत्नी होती है वो अपने पति के अलावा कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचती। और एक पतिव्रता नारी होकर उसने यह वरदान मांगा और यमराज के हाथों से अपने पति की जान बचा कर ले आई। उसी दिन से ये करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, क्योंकि जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी तो रोती बिलखती भूखी प्यासी सावित्री सत्यवान के पास बैठी रो रही थी, और वो यमराज से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती रही। जब तक यमराज ने उसके पति के प्राण वापस नहीं लौटाए, तब तक वो भूखी प्यासी बैठी रही। और जैसे ही यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटाए, उसे जीवन दान दिया, तब उसके बाद उसने अपनी भूख प्यास तोड़ी, अपना अंजल ग्रहण किया। तभी से उसी तरह से सभी औरतें करवा चौथ के दिन सुबह से भूखी प्यासी रहकर निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, और रात को चंद्रमा उगने पर चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ देकर अपने पति के हाथों से पानी पीकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं, और कामना करती हैं कि जब तक ये चांद रहे तब तक हमारे पति के प्राण रहे। तो इस दिन गौरी की पूजा भी की जाती है और कई जगहों पर गणेश की पूजा भी की जाती है। तो इसी तरह से करवा चौथ खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन पूरा जोर शोर से महिलाएं तैयार होती हैं और मन में पूरा उत्साह होता है। एक तरह से बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है हमारी संस्कृति में करवा चौथ का।
तो सभी महिलाओं को फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ कीप स्माइल एंड बी पॉजिटिव।